सो हाई गाइज़ ये है लेटेस्ट प्रोजेक्ट एलेक्सर रोम एंड्रॉड थर्टीन पे बेस्ड रेडमी नोट टेन प्रो के लिए एंड मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था और सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बना दूँ क्योंकि एक चीज़ आप लोग से मेरी कंप्लेन है कि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ क्या आप लोग को पता नहीं प्रॉब्लम हो गया है मुझसे बट प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना सब्सक्राइब कर देना तो मैं स्टार्ट करता हूँ उस वीडियो में क्या क्या चीज़ डिटेल्ड रिव्यू दूंगा तो लेट्स स्टार्ट इट तो सबसे पहले बात करूँ अबाउट सेक्शन ऑफ अब द फोन तो एंड्रॉयड थर्टीन का ईस्टर एक मिल जाता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपको फिफ्थ अक्टूबर का मिलता है एंड लेक्चर वर्जन थ्री पॉइंट टू है कर्नल वर्जन यहाँ पे वेंटॉम का कर्नल आपको मिलता है आप देख सकते हो वेंटॉम का कर्नल यहाँ मिलता है सील स्टेटस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनफोर्सिंग है तो ऐसे तो कोई इशूज़ फेस नहीं होगा बेस बैंड वर्जन भी आप देख सकते हो बिल्ड डेट फ्राइडे <coughs> का आपको मिल जाता है उसके बाद मैं अगर बात करूँ आपसे बैक होने पर तो यहाँ पर आपको डिवाइस नेम मिल जाता है मॉडल का स्टेटस आप यहाँ से सब चेक कर सकते हो एंड एवरी उससे पहले अगर मैं बात करूँ बेंच की जो मैंने रन कर रखे हैं तो पहले मैं अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो स्विंग शॉट का मैंने रन किया था एक्सट्रीम वाला टेस्ट एंड उसमें पहले मुझे टू सेवन टू वन का स्कोर आया था देन मैंने दोबारा जब इसको परफॉर्मेंस मोड डाल के रन किया था ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल से टू 2733 का स्कोर था कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बट ये था जब मैंने प्रोफाइल्स मोड से 5 मिनट तक रन किया तो सी पी थ्रॉटिंग टेस्ट तो 93 परसेंट का मैक्स परफॉर्मेंस था एंड वन लैक नाइनटी थर्टी नाइन थाउजेंड का मैक्स जी आई पी एस मिल था मिला था और यहाँ पे मैक्स क्लॉक स्पीड आप देख सकते हो 1.93 पॉइंट नाइन थ्री गीगा हर्ट्स यहाँ पर मैंशन था और जब दोबारा मैंने रन किया सेवन मिनट का ये जब था एंड यहाँ पे एटी थ्री परसेंटाइल टे मैक्स परफॉर्मेंस ट्रॉटलिंग का आया था विथ वन लैक फोटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट जी आई पी एस था सो ठीक ठाक था यहाँ पे क्लॉक स्पीड अगर आप देखो तो टू पॉइंट थ्री का हट्स था और ये मुझे कुछ गीक बेंच के रिजल्ट मिले थे फोर फोर्टी वन एंड फोरटीन फिफ्टी एट का एंड दोबारा जब मैंने परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके रन किया तो कुछ सिग्निफिकेंटली बहुत हाइयर स्कोर तो नहीं बट थोड़े से इम्प्रूव स्कोर थे अगर चार्जिंग टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं उसे फेस होगा दोबारा मैंने फिर चेक कर लिया था तो इसको चार्ज होने में मेरे यूज केस से जब मैंने इस टेन परसेंट पे शायद लगाया था फर्स्ट टाइम उसमें सेवनटीन परसेंट था सॉरी तो सेवनटीन परसेंट के से चार्जिंग में इसको एक घंटे में ये फुल चार्ज हो गया था डिवाइस तो चार्जिंग टर्बो चार्जिंग वर्क कर रहा था कोई ऐसा इशू नहीं था अगर अब मैं बात करूँ सेटिंग्स में तो आपको ये क्योंकि ये बीटा अपडेट है मैं ऑलरेडी कन्फर्म कर दे रहा हूँ इट इज़ अ बीटा अपडेट नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स मैंने वाईफाई यूज़ किया था ये मेरा इसमें मेरी प्राइमरी सिम डाला हुआ है तो मुझे कोई ऐसा इशूज़ फेस नहीं हुआ उसके बाद मैं अगर डिस्प्ले के सेक्शन में आऊँ तो एडेप्टिव ब्राइटनेस लॉक स्क्रीन लॉक स्क्रीन में पाओगे तो एडवांस सेटिंग में ऑलवेज ऑन मिलता है जो वर्किंग है तो उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है वर्किंग है और मुझे कोई ऐसा इश्यूज़ फेस नहीं हुआ उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो एवरी थिंग यहाँ यहाँ गिवेन स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो डार्क थीम आपको पिच ब्लैक वाला नहीं मिलता है यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट एंड एवरीथिंग आपको गिवन है डिस्प्ले साइज़ एंड फॉन्ट साइज़ का तो आप यहाँ से देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो वॉलपेपर स्क्रूम जीम इफेक्ट जो है मैं यूज़ नहीं करता हूँ एनेबल्ड था प्री इनेबल्ड क्योंकि उससे क्या होता है लैग आता है जब भी बैक ओपन करोगे तो लैग आएगा तो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है सो so आपको कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं फेस होगा जो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सारे चीज़ें परफेक्टली वर्किंग हैं एंड एमबियन डिस्प्ले का तो मैं दिखाई चुका हूँ ऑलवेज ऑन भी वर्किंग है वाल पेपर में आप पाओगे तो यहाँ वाल पेपर ऑप्शन का ऑप्शन दिया मैं नथिंग बट वाल पेपर्स यूज़ करता हूँ जो भी मुझे अच्छा वाल पेपर लगेगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा तो अगर आपको कोई भी वॉल पेपर चाहिए तो प्लीज़ एकगा टेलीग्राम ग्रुप में चेकआउट कर लेना एसेंस में पाओगे तो कस्टमाइजेशन मिलते हैं यहाँ थीम्स का ऑप्शन है मॉनिट हट गया क्योंकि एंड्रॉइड थर्टीन में मॉनिटर का बेटा सपोर्ट नहीं आया है हेडलाइन बॉडी फोन ने बहुत सारे डी ए में आई पैक्स का ऑप्शन है ऑक्सीजन ओएस अगर यहाँ से आप करोगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा लुक यहाँ पे आप देख सकते तो हो ऑक्सीजन ओएस वाला चेंज हो गया सो so, यहाँ पे आपको मिल जाता है सिग्नल आइकन पैक भी आप यहाँ से कर सकते हो लाइक मैं अगर यहाँ पे चेक चेंज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो गया है तो ये वर्किंग है ऐसा तो कोई इश्यूज़ उसमें फेस नहीं हो रहा था मुझे मैं मेरे यूज पे तो सो इट्स वर्किंग एंड वाई फाई कैन भी वर्क कर रहा है फिर यहाँ पर अगर आप हमको मैं दिखा दूँ डी टू एस का अगर मैं बात करूँ तो डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन आपको मैं अगर दिखा दूँ तो वर्किंग है मैं करंटली लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में कोई इश्यूज़ ना आए रिपल इफेक्ट का ही वर्किंग है मीडिया कवर आर्ट भी वर्क कर रहा है स्टेटस बार के ऑप्शन में डबल टैप टू स्लीप ये भी वर्किंग है मैं दिखा दे रहा हूँ सामने में क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि नहीं वर्क कर रहा है बट ऐसा नहीं करता है सर्कल में आओगे फिर यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिला हुआ है मिसलेनियस में गेम स्पेस मिलता है बट आई डोंट थिंक सो कि इस समय मिसलेनियस में गेम स्पेस अच्छा वर्क करता है इस रूम में अच्छा वर्क कर है एडवांस रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ये ऐसा आपको अगर आ रहा है तो उसका ही मैं इश्यूज़ फिक्स कर बता देता हूँ उसके बाद में अगर पासवर्ड एंड अकाउंट की बात कूँ सब चीज़ वर्किंग सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है एंड गई अगर वीडियो पसंद तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना थर्मल प्रोफाइल्स ऑलरेडी गिवेन है तो यहाँ से भी आप डाल के रन कर सकते हो जैस में आओगे तो फाइव टू स्क्रीन शॉट ये भी वर्किंग है क्विकली ओपन कैमरा ये भी वर्किंग है वन हंड्रेड मोड मैं आपको सामने में चेक करके दिखा देता हूँ एंड ये वर्क कर रहा है वन हंड्रेड मोड तो वन हंड्रेड मोड भी वर्किंग है एक तरीके से एंड अबाउट फोन में तो मैं ऑलरेडी दिखा दूंगा नोट टेन प्रो दिखा रहा है उसके बाद में अगर बात करूँ दो तीन चीज़ और की तो सेफ्टी नेट टेस्ट भी रन है पास्ड सी टी एस प्रोफाइल भी पास्ड हो जाता है एंड अगर आप बात करो डिवाइस सर्टिफिकेशन की तो डिवाइस भी सेफ्टी नेट टेस्ट पास कर जाता है सो so, अगर आपको जानना है इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ फर्स्टली आपको ऑरेंज फॉक्स बीटा रिकवरी में रिबूट करना है आफ्टर रिबूटिंग दैट आपको ये रोम के फ्लैश डाउनलोड करके उसे फ्लैश नॉर्मली फ्लैश करके फॉर्मेट डेटा कर देना ये फ्लैश हो जाएगा ऐसे तो कोई इश्यूज नहीं अगर मैं अपनी पर्सनल यूजेज केस की बात करूँ तो इसको आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी स्मूथ है कोई भी ऐसा लैग नहीं मुझे दिखा ये आप देख सकते हो मैं कि वो वन ट्वेंटी हर्ट्स पर पूरा अच्छा फीलिंग देता है तो ऐसा कोई इश्यूज इसमें फेस नहीं हो रहा है देख सकते हो आप सो आप इसको मस्ट है चेकआउट कर सकते हो इंस्टॉल कर यूज़ करो कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त है अपना ही भाई है अपने भाई का क्यों ऐसे करोगे सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना बाय बाय